हाँ हेलो स्टूडेंट्स ऑफ यूजी पार्ट वन, वी आर डिस्कसिंग जस्ट डे बिफोर टुडे यानी इन द प्रीवियस वीडियो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स वाई के ईटा सिग्मा एंड विद दैट दैट चैप्टर वाज ओवर. नाउ वी हैव टू सी, हालांकि चैप्टर इलास्टिसिटी का ही है, मैंने क्वेश्चन उस तरह का एक ही आता है वैसे जो हमने बता दिया. अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है रिलेशन इलास्टिसिटी से ही है, वो यह है कि साहब एंगल ऑफ शियर क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, ये आज हम बताना चाहेंगे. एंगल ऑफ शियर, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल तो लोग समझता है, तो ट्विस्ट माने ऐंठना होता है. ट्विस्ट का मतलब लोग कहता है ना क्वेश्चन ट्विस्टेड है, तो ऐसा है कि जो समझ में नहीं आ रहा. और शियर माने बिट बेंडिंग होती है, झुकना, बेंड करना या अपनी जगह से थोड़ा डिस्प्लेस होना, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ शियर. कोई चीज़ ऐसे है ना, वहाँ पढ़ा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में था ना, ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस. शियरिंग स्ट्रेस था कि साहब किसी चीज़ को ऐसे झुकाया तो इस तरह से बेंड किया तो कितना एंगल से बेंड किया, दैट इज़ एंगल ऑफ शियर. यहाँ भी एंगल ऑफ शियर होगा और एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा. अब जैसे हम बताएं कि साहब सपोज़ करिए कि ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, दिस इज सिलेंड्रिकल सरफेस. सिलेंड्रिकल सरफेस का इस तरह से ये बेस टॉप एंड है, इस तरह से इसका ये लोअर एंड है, इस तरह से होता है. अब ये हमने ऐसा इसलिए बनाया कि ऑफ़ कोर्स दिस इज़ सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप. अब इस सिलेंडर को अगर कहीं पर फिक्स कर दिया जाए लाइक दिस, ऐसा फिक्स के साहब ये माने वो नाच नहीं सके, ऐसे रोटेट नहीं कर सके, यानी अगर इसको हम ऐसे फिक्स कर दें कहीं पर दीवार से तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकेगा. लेकिन साहब इसको ऐंठ सकते हैं, ऐंठना, ऐंठना को ट्विस्टिंग कहते हैं. अब देखिए यहाँ होता यह है कि साहब ये इसमें देर आर, ये एक फिलामेंट है, सेंट्रल फिलामेंट, ऐसा ऐसा अगर हम फिलामेंट्स बनाएं यानी पीस बनाएं, देन देयर विल बी सो मेनी पीस इधर, देयर विल बी सो मेनी पीस इधर, और यहाँ सेंटर होगा. अब ये इसका यहाँ ये सर्कुलर पोर्शन है, ये सर्किल है. जैसे जस्ट यू सी माई पेन, दिस पोर्शन इज़ सर्कुलर, दिस पोर्शन इज़ सर्कुलर, बट इट इट सेल्फ इज़ सिलेंड्रिकल. तो ये इसका जो बीच वाला लाइन है, बीच वाला एकदम जस्ट ऐसे, ये कहलाता है न्यूट्रल फिलामेंट, ये न्यूट्रल फिलामेंट है. अब फिर यहाँ पर इससे बड़ा सर्किल होगा, यहाँ पर इससे छोटा सर्किल होगा, इसका फिलामेंट यहाँ होगा, इसका फिलामेंट यहाँ होगा, देयर विल बी लाइक दिस, सो सो होगा. अब ये जो सेंटर है यहाँ, अब इसका ये एंगल होगा, अलग अलग एंगल होगा, तो ये सारा इस तरह का इधर भी होगा, इधर भी होगा, हम बनाने के लिए बना रहे हैं. अब इसको ये यहाँ पर होगा, ये माने ये इस तरह से ये होगा. अगर हम लोग ऐसा करें कि साहब वो इसको ऐंठें, ऐंठें यानी पेन को अगर इस तरह से ऐंठा जाए, तो ये फिलामेंट जो है, ये फिलामेंट न्यूट्रल रहेगा, और इससे जैसे जैसे दूर जाइएगा वैसे वैसे ये फिलामेंट हो गया, चाहे ये फिलामेंट है, फिर दोबारा फिगर बना देंगे, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, इधर है, इधर है, इधर भी है, इधर भी, इधर देयर आर सो मेनी फिलामेंट्स. और जितना फिलामेंट होगा इस तरह का, यहाँ पर एक ये सर्किल होगा, फिर यहाँ वाला फिलामेंट हो गया तो ये बड़ा सर्किल होगा. जरा सा कंसेप्ट के लिए यू विल हैव टू सी, देखना पड़ेगा कि साहब क्या है, इस तरह से इसको देखना पड़ेगा, इसका ये फिलामेंट होगा, मैंने सर्किल भी बढ़ता जाएगा. तो ये कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स, ये लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स है ये सारा. और ये जो है ये सर्कुलर फिलामेंट्स है, ये सर्कुलर, ये सर्किल जो बना है इसके अंदर एक सेंट्रल सर्किल होगा, उससे बड़ा सर्किल, उससे बड़ा सर्किल, होते होते ये बड़ा सर्किल. वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो मोटा वायर वायर होता है तो उसको लोग आसानी से ही कर सकता है, या नहीं तो सब वो रस्सी वस्सी होती है, रस्सी को भी एक तरफ यहाँ फिक्स करके लोग देखते हैं ऐंठता है. तो हम लोगों को भी देखना है कि साहब ये किस तरह से ऐंठाएगा. देन ये कहलाता है ये न्यूट्रल फिलामेंट है, इधर वाला भी हिस्सा भी ऐंठाएगा, अपनी जगह से शिफ्ट करेगा इसे ऐंठने से, और ये भी शिफ्ट करेगा, ये भी करेगा, बाहर वाला खूब करेगा, इधर बाहर वाला खूब करेगा, ये बीच वाला बिल्कुल नहीं करेगा. सो दिस इज़ कॉल्ड, व्हाट इज दिस लाइन, दिस इज़ न्यूट्रल फिलामेंट.
अब देखिए कि साहब वो ये अभी ये यहाँ टच कर रहा था, यहाँ ये है अपना, और ई जो अगर ऐसे हो जाए कि साहब अगर इसको हम घुमाएं, अब घुमाने से ये यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, तो ये एंगल अब ये यहाँ से यहाँ आ गया। देखिए यानी जैसे घुमाएंगे इसको तो इसका पोर्शन तो शिफ्ट करेगा ना, ये पोर्शन यहाँ पर था, और थोड़ा सा ये कर लीजिए, सपोज़ करिए कि साहब ये एक फिलामेंट है, अब यहाँ पर ये इसका न्यूट्रल है, न्यूट्रल एक्सिस है, अब यहाँ से ये पहले यहाँ पर वाला फिलामेंट हमने देखा, इसके इधर ऐसे होगा, तो इसको अगर घुमाएंगे तो ये घूम के थोड़ा इधर चलाएगा माने यहाँ पे आ जाएगा, और ये फिलामेंट जो है ये ऐसे ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ये भी झुकेगा, झुका ये फिलामेंट, ये किनारे पर का नहीं है, लास्ट का बीच का है, किनारा यहाँ है, किनारा यहाँ है, बीच का फिलामेंट ये दिस है, न्यूट्रल फिलामेंट। अब देखिए कि साहब ये एंगल, जिस एंगल से ये सर्कुलर पोर्शन जो है ये पॉइंट ए पर था, इसको ऐठने से ये पॉइंट ए डैश पर चला गया, और इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ ये कोई सी था तो ये ए सी था, ये ए डैश सी हो गया। ऊपर वाला वो जहाँ का था ऊपर में ऐठन का असर कम से कम पड़ता है, ऊपर वाला सिरा फिक्स, अंदर वाला से नीचे वाला सिरा फ्री। जब किसी चीज़ को ऐसे हम फिक्स करके ऐठेंगे, जैसे रस्सी बांध के ऐठा या इस तरह से ऐठेंगे, तो नीचे वाला पोर्शन घूमेगा और ऊपर वाला पोर्शन फिक्स रहेगा। तो ये एंगल एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये पॉइंट शिफ्ट कर गया यहाँ, और ये लाइन जो था, ये लाइन था पहले क्या था, सी ए, ये बन गया कौन चीज़, ये लाइन सी ए था ना, ये बन गया इस तरह से सी ए डैस्ट, यहाँ सी है एक मान लीजिए, देन ये सी सी ए डैस्ट हो गया। इस एंगल को अभी से याद रखिए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, अगर इसको हम फाई कह दें, इस एंगल को थीटा कह दें, देन यहाँ थीटा इज एंगल ऑफ शीयर, थीटा इज एंगल ऑफ शीयर, ये एंगल ऑफ शीयर कहलाएगा, एंड फाई इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, फाई इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हुआ, लोग पूछे कि क्या हुआ, तो कहिएगा कि साहब ये एंगल थ्रू विच ए पॉइंट ऑन सर्कुलर प्लेन शिफ्ट ड्यू टू ट्विस्टिंग। क्या कहिएगा इस एंगल ऑफ ट्विस्ट को, ये सर्कुलर प्लेन है ना, दिस इज सर्कुलर प्लेन, दिस इज सिलेंड्रिकल प्लेन, ये सिलेंड्रिकल ऐसे है, सिलेंड्रिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का पॉइंट जितना एंगल से शिफ्ट कर जाए उस एंगल के लिए वो क्या हो गया, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और ये लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स, ये इसको कहेंगे हम लोग लंबा, लंबा यानी ये न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल, न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल जो फिलामेंट्स है वो जितना एंगल से शिफ्ट कर जाए ड्यू टू ट्विस्टिंग उसको कहेंगे एंगल ऑफ शीयर। अब देखिए अगर इसका तो ये सर्कुलर पोर्शन जो है इसका तो रेडियस होगा, इसका ये रेडियस ये भी आर ही है और ये भी ये आ रही है दोनों, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये ओ ए बराबर भी आ रहा है एंड ओ ए डैश भी आ रहा है। अब कहिए पता नहीं साहब, आपको देखने में फिगर में तो लग रहा है बड़ा छोटा, लेकिन हम इसको कैसे बताएं, यहाँ सेंटर से यहाँ की दूरी, सेंटर से यहाँ की दूरी, ये दोनों तो आ रहे हैं, यहाँ सेंटर है, हेयर इट इज सेंटर, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी आ रहे है, तो ये तो पोर्शन ही पूरा पोर्शन, अब यहाँ से यहाँ की दूरी भी आ रही, यहाँ से यहाँ की दूरी भी आ रही, यहाँ से यहाँ की दूरी भी आ रही, बिकॉज के दिस इज सर्कुलर रीजन, दिस इज नॉट एलिप्टिकल रीजन व्हाट यू सी हियर साहब। अब हम ऐसे अगर बनाएंगे ऐसे सर्किल और तब इस पर अगर हम सिलेंडर खड़ा करेंगे तो आप कहिएगा साहब कैसा ऐसा कहीं सिलेंडर होता है, नहीं तो सिलेंडर तो ऐसा होता नहीं है, सिलेंडर तो ऐसे ही होता है जैसे ये जस्ट मेरा पेन देखिए, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, अब इसका दिस पोर्शन इज सर्कुलर एंड दिस पोर्शन इज सर्कुलर बट दिस पोर्शन इज वर्टिकल, तो सर्कुलर पोर्शन में शिफ्ट करने में ये पॉइंट जैसे शिफ्ट करेंगे तो ऐठाएगा तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ए से ए डस्ट पर आ गया। इसका मतलब ये कितना एंगल से घुमा, फाई एंगल से, क्या है फाई एंगल, ए ओ ए डस्ट एंड दिस फाई को भी से ट्विस्ट, हमने कहा एंगल ऑफ ट्विस्ट। और जब ऐसे घुमाएंगे तो देखिए बीच वाला जो एक्सिस है, दिस एक्सिस, दिस एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये घूमेगा ही नहीं, न्यूट्रल एक्सिस ये जैसे है वैसे रहेगा, और इसका फिलामेंट ऐसे जो है सीधा जो था, ये था सीधा, ये तो घुमा ही नहीं, ये जो था एक दूसरा फिलामेंट ये शिफ्ट करके यहाँ चला है, तो ये फिलामेंट जैसे ही ऐठने से शिफ्ट करके जितना एंगल से घुमा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ थीटा।
अब देखिए एंगल थीटा निकालिएगा और ये फाई निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, ये एंगल बराबर होगा, ये फाई को हम कितना लिख सकते हैं बताइए, फाई को हम लिख सकते ये आर्क है, ये रेडियस है, थीटा बराबर होता है एल बाई आर होता है ना, तो एल की जगह ए ओ डैस्ट है और ये ओ ए है, ए ओ डैस्ट ये फाई बराबर होगा, आप लिखिएगा ए डैस्ट ए डैस्ट ए माने दिस आर्क और डिवाइडेड बाई आप ओ ए भी लिख सकते हैं, ओ ए डैस्ट भी लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आना है ये दूरी इस दूरी के बराबर है, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, बिकॉज के दिस इज रेडी सर्कुलर रीजन, दिस इज सर्कुलर रीजन, सेंटर से हर किनारे की दूरी सेम तो आ रही है। इस एंगल को अभी से हम लोग कहेंगे, याद रखिएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब ये ए ए डैस्ट जो हमने लिखा है, ए ए डैस्ट, देखिए ये ए ए डैस्ट ये आर्क हो गया और यहाँ से सी ए डैस्ट दोनों बराबर है, सी ए बराबर सी ए डैस्ट बराबर, इसको एल से एल कह लीजिए, एल कह लीजिए, जैसे इसको आर कहा, इसको यहाँ आर कहा तो ये फाई इंटू आर हो गया, ए ए डैस्ट, ए डैस्ट बराबर कितना हो गया यहाँ से, ए डैस्ट बराबर हम लिख सकते हैं फाई इंटू आर, आर इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पोर्शन, एंड ये एल है, इसको एल हमने कहा। ऐसा ऐसा बहुत सारा फिलामेंट है, बहुत सारा, हमने जस्ट फॉर एग्जांपल एक फिलामेंट लिया, तो सी ए और सी ए डैस्ट दोनों बराबर है, इसको एल कहा हमने, तो ए ए डैस्ट बराबर, ये भी तो इसके लिए आर्क है, इस थीटा के लिए, तो ए डैस्ट बराबर आप क्या लिखिएगा यहाँ बताइए, ये आर्क बराबर लिखिएगा सी ए या सी ए डैस्ट जो लिखिए, सी ए डैस्ट बराबर इंटू थीटा, सी ए डैस्ट थीटा माने एल इंटू थीटा, एल इंटू थीटा। अब यहाँ देखिए ए डैस्ट है फाई इंटू आर और यहाँ ए डैस्ट हो गया एल इंटू थीटा, मीनिंग देयर बाय इसका क्या माने हुआ, इसका मतलब हो गया कि थीटा इंटू एल बराबर फाई इंटू आर। अब ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ शीयर, थीटा इज एंगल ऑफ शीयर, एंड व्हाट इज ये लिखा हमने, थीटा इज एंगल ऑफ शीयर, एंड व्हाट इज फाई, फाई इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो हम लिख सकते हैं मैंने इस फिगर को दिखा के, दीज आर मैंने ये सब लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स है, ये सर्कुलर उसका एलिमेंट सब है, छोटा छोटा सर्किल बड़ा सर्किल, बड़ा सर्किल होते होते ये दिस इज द बड़ा सर्किल, लेकिन सब का रेडियस, सेंटर का रेडियस जहाँ से भी लेंगे सेंटर का रेडियस ये सब बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, सारे फिलामेंट्स की दूरी ये बराबर है, आर 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 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, माने ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जिस भी इस पर लिया हमने पोर्शन पे, ये बराबर है ओ ए बराबर ओ ए डैस्ट जहाँ पढ़ लें। तो ऐसी हालत में थीटा इंटू एल बराबर कितना हो गया, फाई इंटू आर, ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा, थीटा इज़ एंगल ऑफ शीयर एंड फाई इज़ एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा एंगल ऑफ शीयर एंड फाई इज़ एंगल ऑफ ट्विस्ट, सी ए बराबर इतना इतना। अब इसके बाद हम लोगों को फार्मूला निकालना है कि साहब ये जो हम लोग ये करेंगे इसको माने नचाएंगे, तो नचाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क, नचाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। अब वो टॉर्क को नचाना है तो उसको टॉर्क, ये देखिए इसको ट्विस्ट हमने कहा है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट जो होता है टॉर्क चाहिए, टॉर्क माने समझते हैं ना, टॉर्क माने एक फोर्स ऐसे लगेगा यहाँ पर, माने इसको नचाना है ना ऐसे, तो इसमें एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा, ये अपने नाचेगा, या नहीं तो ये इसको फिक्स कर देंगे और एक फोर्स ऐसे करेंगे ऐसे, एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, लाइक दिस, देखिए ये उल्टा है एक दूसरे के, इसको ऊपर नहीं किया, ये भी एफ, ये भी एफ, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है आर, तो एफ इंटू आर ये बराबर होगा टॉर्क, ये कहलाएगा टॉर्क। ये टॉर्क जब अप्लाई होगा देन यू विल फाइंड एंगल ऑफ शीयर, यहाँ भी वही बात, यहाँ अगर हम इसमें ऐसे फोर्स लगाएं, यहाँ इसमें ऐसे लगाएं, देन दिस सिचुएशन विल कम, ये तब होगा जब आप इसको घुमा रहे हैं, नचे एक सिरा फिक्स है, वन साइड फिक्स्ड, ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड है, याद रखिएगा फिक्स्ड एंड है, एंड ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड है, दिस इज़ फ्री एंड, इसको आप नचाइएगा, दिस इज़ यहाँ फ्री एंड, ये फ्री एंड है, फ्री एंड है ये, एंड दिस इज़ फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड, ये दिस इज़ फिक्स्ड एंड, ये फिक्स्ड एंड है।
इस तरह से इसको करिएगा, देन कहिए कि साहब ये सब क्यों करते हैं। अरे ये नचाने बचाने का काम खूब होता है, जहाँ कहीं देखे ट्रक वरक में लोग चक्का खोल रहा है तो उसको नचाता है कि नहीं नचाता है, और फिर हर जगह जहाँ कहीं भी देखिए साहब वो बात होती है ना बेंडिंग और बीम्स, इसमें पढ़ेंगे बीम्स कोई किसी भी चीज़ को कितना ये टॉर्क बर्दाश्त कर सकता है, कितना ऐंठने पर ये टूट जाएगा। अब कान है आदमी का, कान भी ऐंठाता है देखिए वैसे ही। देर इज़ ऑल्सो एंगल ऑफ शीयर और एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो इसको कहते हैं ना ऐंठना, कान ऐंठ देना, ऐंठना माने ट्विस्टिंग है। तो अपनी जगह से शिफ्ट कर जाना, ये जो शिफ्ट कर गया ये था ऐसे, डॉटेड हमने बनाया ये है नहीं, लाइन तो सब सीधा सीधा ही रहता है, सीधा सीधा ही रहता है, लेकिन वो अपनी जगह से शिफ्ट करता है। न्यूट्रल एक्सिस ऐसा है जो शिफ्ट ही नहीं करता, इसका सेंटर ऐसा है जो अपने पॉइंट पे फिक्स रहता है, सरकमफेरेंस पर जो पॉइंट है वही शिफ्ट करता है ऐंठने से। देन व्हाट वाज आई सोइंग सेइंग, हम कह रहे थे इसके लिए चाहे एंगल ऑफ ट्विस्ट हो या एंगल ऑफ शेयर हो, होता दोनों है, देन इसके लिए यूनिट टॉर्क। और ये टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट जो होता है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट यानी टॉ बाई फाई, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग टॉर्सनल कांस्टेंट सी। सी बात समझ में आ रही, टॉर्सनल कांस्टेंट सी। व्हाट इज टॉर्सनल कांस्टेंट, अगर कोई पूछे देन जवाब इज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, इट इज़ कॉल्ड टॉर्सनल, टॉर्सन माने ऐंठन, टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट। एंड ये डिफाइंड एज क्या है, ये डिफाइंड एज टॉर्क, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्ट ये हेयर फाइ इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ट्विस्ट वो है, इसका डेफिनेशन कोई पूछेगा तो ट्विस्ट वो है, कहिएगा जिस एंगल से किसी सर्कुलर आर्क पे, माने इसका जो सर्कुलर सेक्शन है, कोई सर्कुलर सेक्शन जितना इससे घूम जाए, ये सर्कुलर सेक्शन था ना, दिस वाज वन ऑफ द सर्कुलर सेक्शन, देयर आर सो मेनी सर्कुलर सेक्शंस, तो एक सेक्शन ये है जो यहाँ से यहाँ चला है, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्विस्ट। देन एंगल ऑफ ट्विस्ट बराबर ये टॉर्क, दिस इज टॉर्क, टॉर्क। तो टॉर्सनल कांस्टेंट का क्या डेफिनेशन हो गया, टॉर्सनल कांस्टेंट डिफाइंड एज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ओके, देन आई थिंक साहब इस बात को समझना चाहिए, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ शीयर एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट, एंड ये इसका क्या रिलेशन होगा। ये टॉर्क होगा दो जगह पर, उल्टा लगेगा एक इधर एक इधर, देन ये नाचेगा, एक सिरा इसका फिक्स्ड होगा, दिस इज़ फिक्स्ड एंड हमने लिखा ही, एंड दिस इज़ ये फ्री एंड, फ्री एंड होगा, फिक्स्ड एंड होगा, वहाँ भी है वही फिक्स्ड एंड फ्री एंड, एंड दिस होगा। हमको लगता है कि साहब अब कल हम लोग इसी के लिए फार्मूला निकालेंगे, माने नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक में ये फार्मूला हम प्रूफ करेंगे, पाई ईटा आर 4/12 ये प्रूफ करना है। ये है टॉर्सनल कांस्टेंट का डेफिनेशन, और ये इसमें ईटा है, ये ईटा को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, जो हम लोगों ने इलास्टिसिटी में पढ़ा है। आर इसका रेडियस है, ये आर रेडियस है, जहाँ से जहाँ तक हमने लिया ये आर रेडियस है, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, जहाँ से इसको नापिएगा आर ही है, तो ये आर रेडियस है, एंड एल इसका ये लेंथ है जो एल हमने लिया। देन हेयर दिस इज रिलेशन, यू ऑलवेज रिमेंबर रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शीयर, दिस इज एंगल ऑफ शीयर एंड दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, सारा फिगर सारा सब कुछ आर मटेरियल थिंग, नथिंग देयर इज गड़बड़, एंड सो यू रिमेंबर दिस थिंग्स टूडे। आज के टॉपिक में सिर्फ यही हुआ, हमने क्लियर किया है एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शीयर, एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शीयर, शीयर और यहाँ शीयर एस एच ई ए आर होता है शीयर, एंड ये डेफिनेशन है ये टॉर्सनल कांस्टेंट का, टॉर्सनल कांस्टेंट डिफाइंड है इतना बस। कल हम लोग ये फार्मूला माने नेक्स्ट डे नॉट नेक्स्ट वीडियो में ये फार्मूला वी विल प्रूव, एंड इसके साथ ये बात ख़त्म होगी, फिर इसका यूज़ हम लोग देखेंगे कि सब यूज़ क्या होता है ये सीख कर। ओके, आज इतना ही रखिए।